नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप एंगुलर मटेरियल का किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए, जब भी आपको एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करना हो तो आपको कुछ पैकेजेस या फिर बोलें कि कुछ मॉड्यूल्स आपको यहाँ ऐड करने पड़ते हैं, या फिर बोलें आप टूल्स आपको ऐड करने होते हैं, लाइक एंगुलर मटेरियल एंड एंगुलर CDK। ठीक है, तो आप इनको इंस्टॉल करने के बाद आप एंगुलर मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। ये अपने खुद के कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करता है जिनके अंदर पर्टिकुलर कोई एनिमेशंस वगैरह या कुछ इफेक्ट्स वगैरह वहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एंगुलर मटेरियल और एंगुलर CDK को हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने एक एंगुलर 5 का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब इस एंगुलर 5 प्रोजेक्ट के अंदर मुझे एक जनरल एंगुलर CDK और एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करना है। काम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कमांड को रन करना होगा, दैट इज़ npm इंस्टॉल। आप देख सकते हैं इस कमांड को स्क्रीन पर, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है टाइम को बचाने के लिए। npm इंस्टॉल -save, आपको 2 times -save लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। देन एंगुलर मटेरियल एंड एंगुलर CDK, ये K रह गया इसके पीछे, तो आप K और ऐड कर दीजिए, देन एंटर। तो ये इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा टाइम लेगा एंगुलर मटेरियल और एंगुलर CDK को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये इंस्टॉल हो चुके हैं, ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है, आप इनको स्किप कर सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके अंदर। अब आपको एक दूसरी कमांड आपको और रन करनी होगी एनिमेशन को ऐड करने के लिए, दैट इज npm इंस्टॉल -save देन एंगुलर एनिमेशन। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, -save होना चाहिए यहाँ पर, और एंगुलर एनिमेशन को आप यहाँ ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एनिमेशन मॉड्यूल को भी यहाँ ऐड कर लेगा। अभी ये दोनों मॉड्यूल आपके यहाँ ऐड हो जाते हैं, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं package.json के अंदर कि आपके मॉड्यूल ऐड हुए हैं या नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं एंगुलर एनिमेशन 5.2.6 और एंगुलर CDK आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स आपके अब यहाँ ऐड हो चुके हैं, एंगुलर मटेरियल का भी वर्जन आपका यहाँ अपलोड हो चुका है। तो आपके सिस्टम के अंदर एंगुलर मटेरियल और उसके रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके यहाँ इंस्टॉल हो चुके हैं। तो चलिए हम आप प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं और अब देखते हैं कि किस तरीके से आप एंगुलर मटेरियल या उसके कंपोनेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप material.angular.io पे जाइए और यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल्स और नेविगेशन लेआउट कंट्रोल्स और डिफरेंट टाइप के आपके कंट्रोल्स हैं, विद एग्जाम्पल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आप इजीली ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइज, सो यहाँ तक हमारा जो सेटअप था वो सेटअप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एंगुलर मॉड्यूल्स को या उसके एंगुलर मटेरियल के कंपोनेंट्स को आप यहाँ ऐड कर सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा कि आप सोर्स के अंदर जाइए, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि app.module.ts है, आपने जो भी मटेरियल वगैरह कंपोनेंट को ऐड किया है उनके रेफरेंसेस को आपको यहाँ ऐड करना होगा। तो ऐप के अंदर जाके आप यहाँ app.module.ts को ओपन कर लीजिए। module.ts के अंदर आपको रेफरेंस पास कराना होगा अपने ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल का। तो आप देख सकते हैं ये पैकेज है एंगुलर प्लेटफॉर्म ब्राउजर और एनिमेशन, जैसे आपकी साइट पर एनिमेशन आपके परफॉर्म हो पाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक मॉड्यूल और ऐड कराने होंगे जिन मॉड्यूल्स को आप ऐड करना चाहते हो, या फिर बोलें जिन एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट्स को आप ऐड करना चाहते हो उनके रेफरेंसेज भी आपको यहाँ ऐड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ दो मॉड्यूल हैं, एक तो मैप बटन मॉड्यूल और एक मैट चेकबॉक्स मॉड्यूल, जो कि चेकबॉक्स और बटन को क्रिएट करने के लिए यूज में आएगा। इसका रेफरेंस मैंने यहाँ दे दिया, लेकिन साथ के साथ आपको ये रेफरेंसेज अपने इस ब्राउजर मॉड्यूल के अंदर भी यहाँ देने होंगे या इम्पोर्ट्स के अंदर देने होंगे जिन मॉड्यूल्स को आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं चेकबॉक्स मॉड्यूल और बटन मॉड्यूल के रेफरेंसेज यहाँ दे देता हूँ। तो ये एक अल्टरनेटिव वे है कि आप इस तरीके से करें, लेकिन आप जानते हैं कोई भी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, आपके बटन्स हो सकते हैं, लिस्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन वगैरह, रेडियो बटन्स, दुनिया भर के हो सकते हैं। तो आप सारे मॉड्यूल्स को अगर यहाँ डिफाइन करेंगे तो ये एक बहुत एम्बिग्यूटी हो जाएगी, क्योंकि app.module.ts के अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं हमें जब भी हम एंगुलर के अंदर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेटर अप्रोच ये है कि आप इनको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बताया है, आप अपना खुद का एक शेयर्ड कंपोनेंट बनाइए और उस शेयर्ड कंपोनेंट को आप एक्सेस कर पाइए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अब यहाँ करनी है। तो अब मैं ये किस तरीके से कर सकता हूँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से हम लोग रिमूव कर चुके हैं, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक कमांड रन करनी है जिससे मैं एक अपना एक मॉड्यूल जनरेट कर सकूँ, और वो मॉड्यूल एक शेयर्ड मॉड्यूल होगा जिसे हम शेयर्ड फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए हम मॉड्यूल जनरेट करने का कोड करते हैं, ng generate m स्टैंड फॉर मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल के अंदर आपको जो क्रिएट करना है वो शेयर्ड के अंदर करना है, तो शेयर्ड आपका एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और इसके अंदर आप जो नेम दे सकते हैं वो कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर मटेरियल दे रहा हूँ, और ये अलग से एक फोल्डर क्रिएट ना करें मटेरियल के नाम से, इसलिए मैंने -flat लिखा। तो आप देखेंगे कि शेयर्ड के अंदर एक आपका फोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाता है और उस फोल्डर के अंदर आप इजीली ये एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये शेयर्ड के अंदर आप देखें material.module.ts आ चुका है। तो जो चीज़ आपने वहाँ की थी app.module.ts के अंदर आप वही चीज़ अब यहाँ भी कर सकते हैं,
आप क्या करेंगे, पहले तो अपना रेफरेंसेस दे दीजिए जिन मॉड्यूल को आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ मैट बटन मॉड्यूल और मैट चेकबॉक्स मॉड्यूल को दे दिया, साथ के साथ एक कॉमन मॉड्यूल के नीचे आप यहाँ पर उन दोनों मॉड्यूल्स के नेम भी डिफाइन कर दीजिए जो आपने ऊपर ऐड किए हुए हैं। तो मैट चेकबॉक्स और मैट बटन मॉड्यूल, इन दोनों को मैं ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद देखिए आप यहाँ डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के बाद आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कॉलन, और एक एरे के अंदर आप अपने मॉड्यूल्स के नेम डिफाइन कर दीजिए, बटन मॉड्यूल एंड मैट चेकबॉक्स मॉड्यूल। ठीक है, तो ये दोनों मॉड्यूल आपके क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होंगे। इंपोर्ट आपके यहाँ से होंगे एंगुलर मटेरियल से और एक्सपोर्ट हो जाएंगे जिसे आप फर्दर इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो आपने ये दो मॉड्यूल यहाँ डिफाइन कर दिए, यहाँ अपना काम कंप्लीट हो जाता है, सेव कर लीजिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, app.module.ts के अंदर इस मॉड्यूल का रेफरेंस है आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इंपोर्ट्स के अंदर जाइए और जो आपने अभी करंट अपना मटेरियल मॉड्यूल बनाया है तो आप उसे यहाँ ऐड कर दीजिए। तो मटेरियल मॉड्यूल को आपने यहाँ ऐड किया, तो इसका पैकेज भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ऊपर ऐड हो जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा पैकेज यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। तो ये इंपोर्ट होने के बाद अब आपका यहाँ टास्क खत्म हो जाता है। अब आपको करना क्या है, अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर जाके और इस वेबसाइट में जैसे ये कुछ आपका टेम्पलेट आता है, प्रीडिफाइंड टेम्पलेट आता है, मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एक सिंपल एक एग्जांपल लेना है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि चेकबॉक्सेस और बटन मॉड्यूल को यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, जो आपने यहाँ मॉड्यूल बनाया हुआ है, या फिर मैं बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, आप यहाँ जाइए, इसके अंदर जैसे कंपोनेंट में आप बटन को सेलेक्ट कीजिए और ये जो बटन का कोड है, HTML कोड है, इसे कॉपी करके और अपने मॉड्यूल के अंदर ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से आप अगर चेकबॉक्सेस ऐड करना चाहते हैं तो आप चेकबॉक्स ऑप्शन पे जाइए, आपको मिल जाएगा ये चेकबॉक्स, ये रहा। ठीक है, तो इस चेकबॉक्स के सोर्स कोड में जाके आप इसका सोर्स कोड कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ ऐड कर दें। ये ऐड हो गया, ऐड होने के बाद अब आप इसे रन करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर एंगुलर मटेरियल काम करेगा और आपके सामने आउटपुट आएगा। तो आप देखें ये आपके सामने आउटपुट आ चुका है, लेकिन ये अभी भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या है, एंगुलर मटेरियल कुछ थीम्स प्रोवाइड कराता है, कुछ इनबिल्ट थीम्स हैं, आप उन इनबिल्ट थीम्स का यूज़ करके और अपने एंगुलर मटेरियल को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वो थीम कहाँ अवेलेबल होती हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एंगुलर मटेरियल पर जाइए, यहाँ जाके आप देखें सोर्स में जाते हो आप, तो यहाँ नोड मॉड्यूल्स में आपको जाना है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर एंगुलर के अंदर आप जाते हैं तो एंगुलर मटेरियल के नाम से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। मटेरियल के अंदर जाके आप यहाँ जाके देखें तो प्रीबिल्ट आपकी कुछ थीम्स होती हैं, आप ये देख सकते हैं प्रीबिल्ट थीम्स, और ये कुछ थीम्स यहाँ अवेलेबल हैं लाइक इंडिगो पिंक ब्लू ग्रे पर्पल ग्रीन डीप पर्पल। तो आप चाहें तो इन थीम्स का रेफरेंस भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हैं। तो आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करें, यहाँ जाएं स्टाइल्स पर, styles.cs आपको ओपन करना पड़ेगा, styles.cs आप जाइए और आप क्या करें कि जो आपने थीम यहाँ बनाई हुई है, थीम आपकी अवेलेबल है, उस थीम का रेफरेंस आप यहाँ ऐड कर दीजिए। करता हूँ कि थीम का रेफरेंस यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ये थीम का ऐड कर दिया एंगुलर के अंदर, मटेरियल के अंदर प्रीबिल्ट थीम्स और इंडिगो पिंक, आप इसे सेव कर लीजिए। आप देखेंगे अब आपकी जो एंगुलर मटेरियल थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से आपके सामने आउटपुट आ रहा है, ये आपका बटन काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग के लिए भी कोई अलग मॉड्यूल होगा, प्रोग्रामिंग के लिए वही मॉड्यूल होगा जो आपने आज तक एंगुलर के अंदर सीखा है। तो दोस्तों ये एंगुलर मटेरियल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने इसके जितने भी स्टेप्स थे या जो भी कमांड्स थी, थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा वीडियो के साइज को रिमूव करने के लिए, लेकिन एक जस्ट एक इंस्टॉलेशन है तो बहुत ईजिली आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड और करूँगा कि आप जब भी ये इंस्टॉलेशन करें तो उसके अंदर आपको करना क्या है कि एंगुलर 5 का ही यूज़ करना है। ठीक है ना, एंगुलर 5 के साथ ज़्यादा कॉम्पेटिबिलिटी होती है। तो ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से इसे चेक देख सकते हैं। जितनी भी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी कमांड्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।